हेलो भाइयों, मैं सचिन सनसनवाल, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई कैसे हो आप सब लोग, आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो भाई वीडियो में आप देख रहे हो मारुति की तरफ से आने वाला प्रोडक्ट सियाज जिसे नेक्सा सेल करता है, आज उसी के बारे में देखने वाले। सियाज की अगर बात करें ना यार, मतलब सियाज एक ऐसी गाड़ी है, मतलब सेडान गाड़ी में सबसे बढ़िया, मतलब कंफर्टेबल गाड़ी की अगर बात करें तो भाई सियाज सबसे आगे बाजी मार जाती है। और सियाज यार लगती भी बहुत ही प्यारी है, मतलब फीचर्स के मामले में ले लो आप, लुक्स वाइज ले लो या फिर मतलब किसी भी तरीके से ले लो, प्राइसिंग वाइज भी मतलब गाड़ी एक नंबर है, हर तरीके से बहुत बढ़िया है। तो आज यही देखने वाले हैं। और ये सियाज भाई चार मॉडल्स में आती है, जैसा कि आपको पता है, सिग्मा, डेल्टा, अल्फ़ा और जेटा में आती है। ये जो मॉडल आप देख रहे हो सेकेंड बेस मॉडल ये आप देख रहे हो, इसका बेस मॉडल आता है सिग्मा, सिग्मा से ऊपर आता है डेल्टा ये मॉडल है इसका। सबसे पहले तो भाई इसकी प्राइसिंग वगैरह की बात कर लेता हूँ कि इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या रहने वाली है। प्राइसिंग की अगर बात करें भाई, एक्स शोरूम प्राइसिंग जो आपको इसकी मिलती है भाई 9,63,000 रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग आपको मिल जाती है। ऑन रोड प्राइसिंग की अगर बात करें तो 10,77,000 रुपये की आपको ये पड़ जाती है न्यू दिल्ली के हिसाब से। बाकी यार ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, गाड़ी एकदम बढ़िया है। K15 स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आपको इसमें मिल रहा है 1462 सीसी का, जो 103 bhp की पावर और 138 Nm का टॉर्क जनरेट करके दे रहा है। 4 सिलेंडर आपको मैनुअल में ये आप देख रहे हो, पेट्रोल में आती है, 20 kmpl का माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है भाई। बाकी हेडलैम्प्स की बात करें तो देख सकते हो सामने से आपको प्रोजेक्टर इसमें एक मिलता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है नॉर्मल बल्ब, बाकी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। नीचे आपको मिलते हैं फॉग लैम्प और यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिशिंग मिल जाएगी। बाकी ये जो नेक्सा ब्लू कलर देख रहे हो भाई बहुत प्यारा लग रहा है, यहाँ पे आपको क्रोम मिलती है, नीचे आपको सुजुकी का लोगो और हनी क्रोम की ग्रिल मिल जाती है, यहाँ पे देख सकते हो आप। बाकी सामने से ऐसी लुक लगती है भाई इसकी, काफ़ी मस्त लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है, देख सकते हो। 4490 mm की लेंथ मिल जाती है भाई आपको इसमें और 1730 mm की विड्थ भी मिल रही है आपको इसमें और 1485 mm की हाइट आपको इसमें मिल जाती है। बाकी साइड प्रोफाइल से अगर बात करें तो एक बार मैं साइड से दिखा देता हूँ आपको, साइड प्रोफाइल लगती है भाई कुछ ऐसी इसकी, देख सकते हो आप साइड प्रोफाइल, मतलब काफ़ी लंबी लगती है भाई गाड़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि छोटी सी और सेडान है भाई, बहुत लंबी गाड़ी है। टायर की अगर बात करें ना भाई, गुडियर के टायर आपको इसमें मिल रहे हैं, साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, साइज़ आपको कितना मिल रहा है, 15 inches के आपको इसमें मिलते हैं। और जो इसके अलॉय है ना भाई, पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है। और यहाँ पर आपको मिलते हैं ORVM पे ही टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे, एडजस्टेबल फोल्डेबल मिलते हैं आपको, ऐसे कुछ डोर हैंडल्स मिलते हैं, ए पिलर बी पिलर आपको ब्लैकआउट फिनिशिंग के साथ मिलते हैं, देख सकते हो आप। बाकी गाड़ी भाई बहुत ही प्यारी लग रही है ओवरऑल, देख सकते हो आप काफ़ी लंबी गाड़ी है, मतलब एकदम आगे से झुकी हुई, पीछे से थोड़ी सी उठी हुई, मतलब एक प्यारी लुक निकल के सामने आ रही है भाई इसकी। अगर रियर से बात करें भाई इसकी तो रियर से भी गाड़ी भाई बहुत ही औसम है, मैं दिखा देता हूँ एक बार, देख लो आप पीछे से कैसी लग रही है गाड़ी, तो पीछे से लग रही है भाई कुछ ऐसी गाड़ी, देख सकते हो आप। बाकी अगर बात करें पीछे से पर्सनली भाई, देख सकते हो यहाँ पे आपको मिलते हैं डिफॉगर, वाइपर नहीं मिलता, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा, नेक्सा का स्टिकर यहाँ पे आपको मिलता है, सुजुकी का लोगो, सियाज की बैजिंग आपको इधर मिल जाएगी, टेल लैंप्स आपको LED टाइप ही मिलते हैं, मतलब फुली LED तो नहीं बोल सकते बट LED टाइप ही मिलते हैं, काफ़ी सही भी लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कैमरा वगैरह नहीं मिलता आपको, 4 रिवर्स रुके सेंसर मिल जाएंगे इसमें, 2 रिफ्लेक्टर्स मिल रहे हैं भाई, देख सकते हो आप। बाकी ओवरऑल फाइनल लुक ये है भाई इसकी, पीछे से एक बार और चेकआउट कर लो आप। बाकी बात कर लेते हैं भाई अब इसके इंटीरियर से कि इंटीरियर वगैरह आपको इसमें कैसा मिल रहा है। इंटीरियर में चलने से पहले की देख लो भाई, ऐसी कुछ आपको रिमोट की मिल जाएंगी 2, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलेगा, ऐसी ही मिलती हैं, सिंपल की मिलती हैं बट रिमोट की आपको इसमें मिल जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक बार अंदर चलते हैं। बाकी ड्राइवर साइड डोर की अगर बात करें तो ये मिलता है आपको कुछ ड्राइवर साइड डोर भाई, और जो इसका भाई बेज इंटीरियर है काफ़ी बहुत ही प्यारा लग रहा है पर्सनली, मैं अपनी बात करूँ यहाँ पे लेदर मिल रही है, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री इधर मिल रही है, यहाँ पे वुडन फिनिशिंग सी भाई काफ़ी प्यारी लग रही है ये। चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल रहे हैं, लॉक अनलॉक विंडो के लॉक के लिए ORVM सेट कर सकते हो, क्रोम के डोर ओपनर आपको इसमें मिल रहे हैं, स्पीकर वगैरह सब कुछ भाई आपको इसमें मिल रहा है, बोतल होल्डर वगैरह एक नंबर भाई मस्त, देख सकते हो। इंटीरियर भाई ये मिलता है आपको इसका, इंटीरियर पर्सनली मुझे बहुत ही प्यारा लगता है सियाज का, और मुझे नहीं भाई बहुत सारे भाइयों को लगता है ये है भी यार, मतलब उस लायक है जो प्यारा लगे, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। सीट्स की अगर बात करें तो फैब्रिक अपहोल्स्ट्री भाई आपको इसमें मिलती है बट इन्होंने एसेसरी में इसमें कवर चढ़ा रखे हैं, बाकी फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है, हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं, इधर लाइट के लेवलिंग के कंट्रोल मिल जाएंगे, फॉग लैंप और आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन इसमें इधर मिल जाता है आपको। बाकी आगे की बात अंदर बैठ के करते हैं। स्टीयरिंग की अगर बात करें तो भाई ऐसा कुछ आपको मिलता है इसमें, स्टीयरिंग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, ब्लूटूथ से रिलेटेड कंट्रोल्स, और इधर मिलता है आपको इसमें क्रूज कंट्रोल, देख सकते हो आप।
और सुजुकी का लोगो SRS एयरबैग की बैजिंग, और यहाँ पे आपको मिलती है क्रोम, क्रोम में ही सुजुकी का लोगो मिलता है, यहाँ पे थोड़ी बहुत क्रोम मिल जाएगी, बट स्टेयरिंग काफ़ी बढ़िया लग रहा है, लेदर रैप वगैरह तो नहीं मिलता है बट काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई देखने में ना, काफ़ी मस्त इसका स्टेयरिंग लग रहा है, बढ़िया है। एडजस्टमेंट में अगर आपको इसकी दिखाऊँ तो ये टिल्ट मिलता है आपको, टेलीस्कोपिक ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता है। यहाँ पे मिलते हैं आपको ऐसे कुछ एसी वेंट्स, देख सकते हो आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग से मिल जाएगी चारों तरफ, काफ़ी बढ़िया इसके लग रहे हैं भाई एसी वेंट्स। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत स्टोरेज मिल जाएगी और ये कंट्रोल्स वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे थोड़े से। बाकी बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कैसा लगता है। नो डाउट भाई बहुत प्यारा है, और एक बार इसमें की लगाते हैं और जब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा लगता है। ये कुछ लगता है भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है भाई, देख सकते हो आप। यहाँ पे इसमें 8000 तक RPM की मार्किंग मिल जाएगी, इधर आपको मिलती है राइट साइड में 220 तक स्पीड मार्किंग, बीच में मिलती है आपको एक MID जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो करने वाली है, और यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग सी मिलती है भाई, बहुत प्यारी लग रही है यार ये देखने में ना, सीरियसली बहुत मस्त लग रही है। यहाँ पे इंजन की हीट वगैरह शो करेगा और इधर आपको फ्यूल वगैरह के लिए शो कर जाएगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलती है, आप जानते हो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलती है, बहुत प्यारी लग रही है गाड़ी देख सकते हो आप। बाकी सेंटर से अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दो AC वेंट्स मिलते हैं, और जो इनकी डिज़ाइनिंग है ना, मतलब एक ही पार्ट में दे रखे है, और मतलब इसकी जो ये इसके सराउंडिंग ये जो कर रखी है भाई सिल्वर फिनिशिंग से, काफ़ी बढ़िया लग रही है। यहाँ पे आपको 1000 लाइट का बटन मिल जाएगा, देख सकते हो काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में। यहाँ पे आपको मिलता है मैनुअल इन्फोटेनमेंट सिस्टम इसका, देख सकते हो काफ़ी सही भी लग रहा है भाई देखने में ना, ये बहुत प्यारा लगता है। पर्सनली अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस के बारे में बात करूँ तो मुझे ही टच स्क्रीन से ज़्यादा बेस्ट लगता है। नीचे आपको फुली ऑटोमेटिक AC मिलता है इसमें, देख सकते हो आप, यहाँ से फैन की स्पीड वगैरह आप बढ़ा सकते हो यहाँ से, काफ़ी बढ़िया है भाई, मस्त लग रहा है देखने में। यहाँ अगर नीचे आप आओगे तो USB ऑक्स वगैरह के लिए आपको पोर्ट वगैरह मिल जाएंगे, स्टोरेज मिल जाएगी आपको यहाँ पे, और ये इसमें भाई एक मस्त फीचर है, ये बंद हो जाता है, काफ़ी बढ़िया है यार, मतलब ये बंद भी हो जाता है, काफ़ी प्यारा इसमें फिनिशिंग सी आ जाती है, बहुत मस्त लगता है। इसको आप खोल भी सकते हो, यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स मिल जाएंगे, फ़ोन वगैरह आप रख सकते हो आप इधर। यहाँ पे ये 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको मिलती है, यहाँ पे भी आपको ये सिल्वर फिनिशिंग से मिल जाएगी, यहाँ पे आपको लेदर रैप मिल जाता है, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है मस्त। यहाँ पे स्टोरेज मिल रही है थोड़ी बहुत, यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक आपको मिल जाएगी भाई, देख सकते हो। यहाँ पे मिलती है आपको आर्म रेस्ट जो कि स्लाइडेबल नहीं है बट काफ़ी बढ़िया है, मस्त लग रही है देख सकते हो। ये साइड से लगती है भाई, ये वुडन फिनिशिंग से आपको वहाँ तक कंटिन्यू मिलेगी, और जो काफ़ी प्यारी भी लग रही है वहाँ तक डोर्स तक जाती है भाई, बहुत मस्त लग रही है। जो इसका इंटीरियर है ना भाई, बेज इंटीरियर बहुत प्यारा लग रहा है यार, मतलब ये बेज इंटीरियर काफ़ी मस्त लग रहा है, मतलब जमता है भाई, ये कलर बहुत सही है। ग्लव बॉक्स आपको ऐसा मिल जाता है, कूल्ड वगैरह तो आपको नहीं मिलता है, सिंपल ही मिलता है, बट बढ़िया लग रहा है देख सकते हो। SRS एयरबैग की बैजिंग मिल जाएगी आपको उधर, ट्यूटर वगैरह की प्लेसिंग मिल जाती है देख सकते हो आप। बाकी अगर इसके IRVM की बात करें तो ये मिलता है आपको IRVM, डे नाइट के लिए आप इसको सेट कर सकते हो। सनवाइजर्स मिल जाते हैं आपको टिकट होल्डर के साथ, यहाँ पे दो लाइट्स मिल जाती हैं येलो, और ये मिल जाता है आपको वैनिटी मिरर के साथ। ग्रैब हैंडल्स वगैरह आपको उधर मिल ही रहे हैं, तो भाई देख सकते हो ओवरऑल फाइनल लुक ये है इसकी फ्रंट से, गाड़ी काफ़ी प्यारी लग रही है, मस्त लग रही है भाई देख सकते हो। बाकी अब देखते हैं कि पीछे इसमें क्या स्पेस है, मतलब कितना स्पेस रह जाता है। बाकी स्पेस की अगर बात करें तो सेडान गाड़ी में स्पेस की तो कोई कमी होती ही नहीं है, स्पेस तो लाजवाब होता है सेडान में, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं कि कितना स्पेस आपको इसमें मिल रहा है। एक बार चलते हैं पीछे, ये भाई पीछे की स्टिंग देख सकते हो, ऐसी कुछ स्टिंग मिलती है, फिक्स एड्रेस आपको इसमें मिल जाएंगे। चलिए एक बार अंदर बैठते हैं। पीछे के अगर स्पेस की बात करूँ तो भाई देख सकते हो स्पेस कितना बच रहा है मेरे पास, स्पेस के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं। और भाई इसका रिक्लाइन एंगल आज सीरियसली बहुत कर लिया है मैंने, मतलब रिक्लाइन एंगल भी काफ़ी बढ़िया कर लिया है, मतलब ऐसी बात नहीं है, अपनी हाइट के हिसाब से तो मतलब काफ़ी ज़बरदस्त कर लिया, फिर भी यार स्पेस बहुत ज़बरदस्त है सेडान में, तो स्पेस की कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, ये तो बात है ही, बताने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको मिलता है ये आर्म रेस्ट विद 2 कप होल्डर्स देख सकते हो। बाकी इस पे जो एक कवर वगैरह चढ़ा रखे हैं भाई, ये एसेसरी का पार्ट है, चाहो तो आप लगवा सकते हो, ना चाहो तो ना भी लगवाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी तीन बंदे तो आराम से भाई मस्ती से ट्रैवल इसमें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। पीछे आपको मिलते हैं रियर AC वेंट्स देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया एक नंबर। यहाँ पे आपको चार्जिंग आउटलेट मिल जाएगा,
स्टोरेज मिल जाएगी फ़ोन वगैरह रखने के लिए। बाकी पीछे से कुछ ऐसा इसका इंटीरियर लगता है। इंटीरियर भाई बहुत प्यारा लग रहा है यार इसका, पीछे से देखने में बहुत मस्त लग रहा है, देख सकते हो आप, काफ़ी गजब एक नंबर भाई। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है, देख सकते हो आप। बाकी ग्रैब हैंडल्स वगैरह आपको सब कुछ मिल ही रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हो। हुक वगैरह भी मिल जाएंगे ग्रैब हैंडल के साथ। पीछे आपको मिलती है पार्सल ट्रे, देख सकते हो आप। बाकी चलिए भाई एक बार बाहर उतरते हैं, आगे की बात बाहर उतर के करते हैं। तो भाई देख सकते हो ओवरऑल कुछ ऐसी ही वीडियो थी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो भाई चैनल को ज़रूर से जाके सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।